करने संघर्ष करके डेमोक्रेटी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है तो बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से एग्री करके ये करवाई थी। लेकिन गांधी एंड कंपनी के लोग बहुत चालाक थे, ये जानते थे कि वोट तो इनके ज़्यादा हैं, लोकतंत्र वोट से चलता है और वोट इनके ज़्यादा हैं। अगर ये बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मांग लिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था दो वोट का अधिकार, दो वोट का मतलब था कि हमारा जो प्रतिनिधि खड़ा होगा, हमारा जो MLA MP काउंसिलर चुना जाएगा, वो केवल हमारे लोग ही उसको वोट देंगे, दूसरा कोई जनरल का उसको वोट नहीं देगा। और जो दूसरा वोट कैंडिडेट खड़ा होगा MLA MP कहीं भी, उसमें भी हमारे एक लोग वोट देंगे। तो ये दो वोट अधिकार था, इसे समझना चाहिए कि हम अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, कोई दूसरा वोट नहीं देगा, और जो दूसरा प्रतिनिधि होगा उसमें भी हम एक वोट देंगे, तो उसमें भी हमारे दावेदारी और भागीदारी रहती। और जो हमारा कैंडिडेट हमारे वोट से चुना जाता तो वो बहुत बहादुर, मजबूत और सामाजिक, जिसको समाज चाहता वो ऐसा कैंडिडेट चुन के आता। लेकिन अब जो व्यवस्था, इसके लिए गांधी एंड कंपनी के लोग जानते थे, इनको तो हज़ार साल आगे का दिखाई देता है। इनको मालूम था अगर ये दो वोट का अधिकार मिल गया तो इनके वोट ज़्यादा हैं और MLA सारे जो है विधानसभा और लोकसभा पर इनका कब्जा हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा व्यवस्था। तो इसलिए गांधी ने जान की बाजी लगा दी, गांधी ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनको दो वोट का अधिकार नहीं मिलने दूंगा। उससे पहले दो वोट का अधिकार सिखों को मिला था, गांधी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। दो वोट का अधिकार मुस्लिम को मिला था, उससे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। दो वोट का अधिकार एंग्लो इंडियंस को मिला था, उसे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। लेकिन जब दलितों को मिला तो गांधी ने, बहुजन समाज की बात आई तो गांधी ने जान की बाजी लगा दी। क्यों लगा दी, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि सिख समाज इनकी गुलामी नहीं करता, मुस्लिम समाज इनकी गुलामी नहीं करता, एंग्लो इंडियन इनकी गुलामी नहीं करता। अगर गुलामी करता है तो शूद्र समाज करता है। अगर इनको ये राजा बन जाएंगे, MLA MP बन जाएंगे, तो इनकी गुलामी कौन करेगा। इसलिए इसको इनको अधिकार, और अल्टीमेटली बाबा साहब को इतना मजबूर और दुखी कर दिया कि उन्होंने दुखी होकर के 24 सितंबर 1932 को, वो हमारे लिए एक ब्लैक डे है, काला दिन है इतिहास में, बाबा साहब को मजबूरी में एक समझौता करना पड़ा, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उस पूना पैक्ट में जो हमें दो वोट का अधिकार था वो गांधी एंड कंपनी ने छीन लिया हमसे, और उसके बदले हमें रिजर्वेशन मिला, जिससे आज इनको तकलीफ हो रही है।